और केरल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नेवी ने 200 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। यह ड्रग्स एक ईरानी जहाज में मिली है जो अफगानिस्तान से भारत लाई जा रही थी, और इसका कुछ हिस्सा श्रीलंका भी भेजा जाना था। इस तस्करी के पीछे पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क का हाथ है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 1200 करोड़ के लगभग आंकी गई है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ये सभी ईरान के हैं। आरोपियों के पास से 3 स्मार्टफोन भी जब्त किए हैं। इस मामले में अभी तक किसी आतंकी से कोई संबंध नहीं बताए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर एनसीबी पूछताछ कर रही है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि वे ईरान के कोड़ान के इलाके के रहने वाले हैं। एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। डीडीजी संजय कुमार ने कहा कि इनकी पैकिंग वाटरप्रूफ है, इन पैकेटों को 7 लेयर में पैक किया गया है। ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क की तरफ से की गई है। हादी सलीम भारत और अन्य देशों को हेरोइन, चरस, मिथाम, फिटामाइन की सप्लाई करता है।